करेंगे हम लोग बी मेजर बार कॉर्ड कैसे पकड़े, जो ये आपका सेप रहता है बार कॉर्ड का, और कोई कोई ऐसा ही पकड़ता है, पर मैं प्रीफर करता हूँ ऐसा पकड़ना क्योंकि ये सबसे इजी होता है आपका ये सेप पकड़ना। स्टार्टिंग में थोड़ा वो डिफिकल्ट लग सकता है, पर आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। इसको मैंने पहले भी एक वीडियो में समझाया हुआ था, पर आज मैं फिर से उसको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप उसको पकड़ सकते हो, कैसे चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि ये बी मेजर की बी फ्लैट मेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉर्ड्स होता है, जो बिगनर से जो इंटरमीडिएट है वो लोग इसको मैक्सिमम टाइम स्किप कर देते हैं और ऐसा पकड़ते हैं जो ओपन पोजिशन है। पर एक्चुअल जब कॉर्ड्स होता है वो ऐसा नहीं है, उसका बेस नोट, जो भी कॉर्ड पकड़ते हैं उसका बेस नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको स्किप करते हो बेस नोट को, तो उसका साउंड थोड़ा सा आपको इनकम्प्लीट लगता है कॉर्ड का। तो आज मैं आपको सारे ट्रिक्स बताऊंगा कैसे ग्रिप करना है, कैसे फिंगर्स रखना है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं, और अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहा है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर आप नए हो, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलेगा मैं आपको कितना हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हम तो जो बी मेजर और बी फ्लैट मेजर है उसका बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आप जैसे ए मेजर पकड़ रहे हो वैसा, आई होप सबको ए मेजर पता है, ऐसा पकड़ते हैं हम लोग, तो उसको अगर हम मूव करेंगे एक फ्रेट ऊपर एंड जो उसका नट पोजिशन वाले नोट्स को बार कर लेंगे, तो वो आपका बन गया ए शार्प और बी फ्लैट मेजर। यहाँ पे उसको सेम मूव करते रहो, जो केज सिस्टम मैंने अभी समझाया हुआ है बार कॉर्ड्स लेसन में, हाउ टू रिमेम्बर ऑल कॉर्ड्स लेसन में, आप सारे लेसन देखना, मैं लिंक्स दे दूंगा सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार देख लेना जरूर। और बार कॉर्ड जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, पहले मैंने बार कॉर्ड्स का लेसन देखो, मैंने दो तीन लेसन बनाए हुए हैं, उसके बाद आप ये वाला देख सकते हो, काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करें, जो ए मेजर शेप पकड़ते थे उसको सोचिए हम लोग मूव करके ले आएंगे दो फ्रेट्स ऊपर बी मेजर में आगे। एंड तो रूल के हिसाब से क्या हुआ, इसका नोट नट पोजिशन का नोट्स वो भी ऊपर आ जाएंगे दो फ्रेट, यहाँ पे उसको बार करना पड़ेगा। तो बिगनर्स जो बार पकड़ते हैं, मैंने देखा हुआ है कि वो ऐसा पकड़ते हैं मैक्सिमम टाइम, उनको ऐसा सिखाया जाता है। पर ये क्या होता है, इसको आप अगर थोड़ा लॉजिक अप्लाई करोगे, आप देखो जितना फ्रेट्स आप ऊपर जाओगे फ्रेट्स का साइज छोटा हो जाएगा। अगर आप सोचा को कोई बोलेगा कि डी शार्प में जब बार पकड़ो, कैसे पकड़ोगे आप डी शार्प, आपका कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, आपका फिंगर सभी जगह नहीं होगा एक फ्रेट में, ऐसा पकड़ने से काफी हार्ड हो जाएगा आपको पकड़ना। तो इसका बेस्ट वे कि आप उसको एक ही फिंगर से वो तीनों नोट बार करेंगे हम, ये ऐसा, ठीक है ना। जैसे हम लोग अभी बी मेजर भी पकड़े यहाँ पे, तो बी मेजर का ये तीनों नोट्स हो रहा है फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग एंड सेकंड स्ट्रिंग पे। तो ऐसा नहीं करके, तीनों फिंगर्स यूज नहीं करके, हम एक ही फिंगर रिंग फिंगर अभी यूज करेंगे, उससे ये तीनों नोट प्रेस करेंगे लाइक दिस। और कई लोगों का डाउट था कि अगर हम ऐसा पकड़ते हैं तो फर्स्ट स्ट्रिंग म्यूट हो रहा है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग म्यूट ही रहेगा ये पोजिशन में, आपको फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले नहीं करना, क्योंकि जो कॉर्ड का थ्योरी है बेसिक थ्योरी, आपका कॉर्ड मिनिमम तीन नोट से बनता है, पर यहाँ पे हम लोग चार नोट्स बजा रहे हैं, तो ये आपका कंप्लीट कॉर्ड ही है, कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पे म्यूट भी हो रहा है तो वो म्यूट ही रहेगा, क्योंकि ये नोट प्ले करना काफी हार्ड होगा ये पोजिशन में, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग को इंटेंशनली म्यूट कर रहे हैं, वो आपका नेचुरली भी म्यूट हो जाएगा ये पोजिशन में। तो अभी देखते हैं हम लोग कैसा ये पोजिशन को और डिटेल में समझते हैं, कैसे पकड़ेंगे, कैसे ग्रिप कहाँ पे करना है, रिस्ट पोजीशन कहाँ पे रखना है, चलिए अब देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आपको अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सोचिए बी मेजर पे, यहाँ पे तो बी मेजर में कैसा ऐसा पकड़ते थे आप, तो इसको क्या करना, आप मैं क्लोजअप दिखा दे रहा हूँ, आप इसको ऐसा पकड़ते थे अभी, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बस रिंग फिंगर से ट्राई करेंगे ये तीनों नोट प्रेस करने का लाइक दिस। और फिंगर्स को क्या करेंगे हम, जो फिंगर है आपका आपका रिंग फिंगर, उसको कर्व जैसा रखेंगे ऐसा, ठीक है ना, बस ये शेप मेंटेन करना। पहले आप उसको बिना गिटार पकड़े अपना फिंगर्स को पहले ऐसा शेप में लाओ, एक बार थंब से सपोर्ट लेके ऐसा करो, एक बार ये जो आपका जॉइंट है यहाँ से वो कर्व होकर रहेगा, तभी जाके आपका यहाँ से प्रेशर आएगा स्ट्रिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा हो गया, आप ऐसा फ्लैट मत रखना, फ्लैट रखने से क्या होगा, आपका इवनली प्रेशर आएगा नहीं, जो देख देख रहे हो उठ के रह जा रहा है ये पार्ट, तो इसमें क्या प्रेस नहीं हो, तो आपको ये वाला ऐसा रखना है, ऐसा रखने से आपका परफेक्टली तीनों नोट्स प्रेस हो रहा है। और एक ट्रिक है कि अब जितना ये फ्रेट के ऊपर पास रखोगे उतना आप इजिली प्रेस कर पाओगे, ये देख रहे हो फ्रेट, तो आप जितना इसको पीछे लेके जाओगे उतना आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा, तो आप ट्राई करना पूरा एज में जितना हो सके वहाँ पे प्रेस करने का, ये आपका पहला ट्रिक है। अब कोई भी कॉर्ड बजाओ, सोचो आप यहाँ पे जी मेजर बजा रहे हो, तो आप लोग जो प्रेस कर रहे हो यहाँ पे, तो वो हमेशा ट्राई करना
फ्रेट के पास ही प्रेस करना। आप जो बार कर रहे हो यहाँ पे भी, मैंने सब समझाया हुआ है अपने प्रीवियस लेसन्स में, आप देख लेना जरूर, ठीक है। तो इसको मैं भी डिटेल में बताने रहा हूँ, अभी बस हम सीखेंगे बी मेजर शेप सीखेंगे। तो पहला हो गया आपका ये तीनों नोट 4, 3 एंड 2। देखिए मैं अभी पीछे प्रेस कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा म्यूट जैसा हो जा रहा है, तो थोड़ा आगे लेके आ गया, परफेक्टली सारा प्रेस हो गया नोट्स। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, बार करेंगे बस रिंग फिंगर से, और इसका जो बेस नोट है बी मेजर का, बी नोट बनेगा आपका बेस नोट, जो कि ये वाला नोट है, 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। तो इसका बेसिक ये है कि अब हम रिंग फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से बार नहीं करेंगे इसको, बस टिप में इसको प्रेस कर लेंगे हम लोग बेस नोट। जो बिगनर्स गलती करेंगे वो दोनों फिंगर को ऐसे बार कर लेंगे, उससे क्या होगा आपको बस वेस्ट होगा आपका एफर्ट, क्योंकि आपको इंडेक्स फिंगर को बार नहीं करना, क्योंकि ये सारे नोट को प्रेस हुए हैं और आपको बस एक ही नोट प्रेस करना है, दैट इज द बेस नोट हियर, ठीक है। तो आपका साउंड आएगा बी मेजर का ऐसा, और जो फर्स्ट रिंग वो नेचुरली म्यूट ही हो जाता है आपका, जो कि हमको म्यूट ही चाहिए, और ये कुछ गलत नहीं है। आपने आप देख सकते हो मैं कैसे पकड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, देख लो पूरा एज में मैंने रखा हुआ है सारा फिंगर्स, रिंग फिंगर पूरा एज में, एंड इंडेक्स फिंगर से बस मैंने टिप को प्रेस किया यहाँ पे रूट नोट को, इसको मैंने बार नहीं किया है, क्योंकि जस्ट वेस्ट होगा आपका एफर्ट, दोनों बार नहीं करना, बस एक ही बार करना, एंड इससे बस आप टिप में प्रेस करो ऐसा, ठीक है। तो ये बन गया आपका बी मेजर। सेम आप इसको मूव करोगे एक फ्रेट ऊपर तो आपको सी मेजर मिल गया यहाँ पे, और फर्स्ट स्ट्रिंग म्यूट रहेगा। सेम ऊपर सी शार्प मेजर, डी मेजर, डी शार्प, ई मेजर, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बार कॉर्ड पकड़ने का, कि आप रिस्ट डाउन करो, आपका रिस्ट देख सकते हो यहाँ पे, तो आप जब ओपन पकड़ते हो तो थंब ऊपर रहता है ऐसा, जब आप बार करते हो तो रिस्ट आपका नीचे अपने आप आ जाना चाहिए, ताकि आप परफेक्टली ग्रिप कर सको यहाँ पे। तो एंगल चेंज कर दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये मैं थंब देख सकते हो आप मैंने कहाँ पर कैसे रखा हुआ है, तो वैसे ही उसको ऐसा ग्रिप करना। वो मेन सब डिपेंड करता है आपके ग्रिप के ऊपर, आप कैसे ग्रिप करते हो, आप थोड़े इसको ऊपर रखोगे ऐसा तो आपका प्रेशर यहाँ पे आएगा नहीं, आप रिस्ट को डाउन करना, ये पार्ट को डाउन करना, देखो आप कहाँ पे रखने से आपको परफेक्टली प्रेस हो रहा है आपका, थोड़ा हीट एंड ट्रायल मेथड में देखना कहाँ पे आपका रिस्ट कैसा प्लेस करने से आपको परफेक्टली यहाँ पे आप प्रेस कर पा रहे हो। स्टार्टिंग में काफी आपको हार्ड लगेगा, थोड़ा पेन होगा, ये पार्ट थोड़ा मसल है, थोड़ा ज्वाइंट है, इसको थोड़ा बेंड करने से पेन होगा नया नया, आप बस प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अभी मैं कुछ प्रोग्रेशन बता रहा हूँ कैसा प्रैक्टिस कर सकते हो। सोचो हम लोग यहाँ पे जी मेजर बजा रहे हैं, आई होप सबको ये सब पोजीशन पता है, क्योंकि अगर आपको ये सब नहीं पता आपको ये अभी मुश्किल होगा बजाना। पहले आप मेरा बार कॉर्ड लेसन देख लो, उसमें मैंने सारे बार कॉर्ड समझाए हुए कैसे पकड़ना है, कैसे ग्रिप करना है, तो एक बार देखते हैं कैसे हम इसको प्ले कर सकते हैं। तो आपका जी मेजर हो गया यहाँ पे, उसको जस्ट नीचे गया ना, रिंग फिंगर को ऐसा कर लेना और इंडेक्स को यहाँ पे ले आना, ये बन गया आपका सी मेजर 3, वापस जी मेजर 1, 2, 3, 4, सी मेजर। आप देख सकते हो मैं कैसे मूव कर रहा हूँ फिंगर्स, 1 बार हो गया जी में कंप्लीट, देन सी में बस इसको नीचे लाया इंडेक्स से, बस ये नोट मैंने प्रेस कर दिया। और एक चीज आता है कि आपको मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम लोग कैसे परफेक्टली स्ट्रम कर सके स्ट्रिंग्स को बिना दूसरा कोई गलत स्ट्रिंग बजाए, तो उस ये क्वेश्चन का मतलब ये कि जैसे मैंने कहा कि जो आपका कॉर्ड है सी मेजर, तो उसका स्टार्टिंग जो रूट नोट सी से होगा, तो ये पोजीशन में हम लोग 6th स्ट्रिंग को अवॉइड कर रहे हैं बजाना। सोचो आप यदि ऐसा पकड़ के 6 से बजा रहे हो, ये नोट का साउंड आ रहा है, तो ये थोड़ा ऑफ लगता है, ऑड लगता है सुनने में, क्योंकि आपका सी मेजर में पहला नोट आपका सी आएगा। अब कोई भी कॉर्ड बजा लो, जैसे सी मेजर यहाँ बजा रहे हो, तो आपका पहला नोट ये वाला आ रहा है, ओपन में ये भी आ रहा है, बार में भी ये आ रहा है, ठीक है। आप सोचो ए माइनर बजा रहे हो, इसमें भी यही कि आपको पहला पहला नोट ए लगाना है, दैट इज दिस 5th स्ट्रिंग, तो उसमें आपको 6th स्ट्रिंग को स्किप करना है। तो आपका कॉर्ड्स में 2 टाइप ऑफ कॉर्ड्स होता है, जिसमें आपको 5th स्ट्रिंग एंड 6th स्ट्रिंग दोनों स्किप करना पड़ता है, और एक में आपको 6th स्ट्रिंग स्किप करना पड़ता है। जो आपका डी मेजर आपको पता होगा ओपन पोजिशन, तो आपने देखा होगा कोई कोई, मैं भी ऐसे थंब को ऊपर रखता हूँ, क्योंकि हमको डी मेजर में पहला नोट डी बजाना है, दैट इज फ्रॉम 4th स्ट्रिंग हमको प्ले करना है। तो क्वेश्चन यही था कि हम लोग परफेक्टली कैसे डी को प्ले करें 4th स्ट्रिंग से बिना 6th एंड 5th स्ट्रिंग बजाए, क्योंकि स्ट्रमिंग में क्या होता है आपको इतना ध्यान रहता नहीं, आप परफेक्टली प्रिसाइसली 4th से स्ट्रमिंग नहीं कर सकते। आपका जैसे भी हो 6th एंड 5th स्ट्रिंग रिंग हो जाएगा, टच हो जाएगा पिक से, उसका बेस्ट वे कि आपका थंब जो है उसको यूज करो स्ट्रिंग्स को म्यूट करने के लिए। आप लोग जैसे डी पकड़ रहे हो ऐसा, तो ट्राई करना जो रिस्ट है ऊपर लेने का, जैसे मैंने बताया ओपन स्ट्रिंग, ओपन कॉर्ड्स में हमेशा रिस्ट को ऊपर रखना है,
तो हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि हम लोग जो ओपन स्ट्रिंग से जो म्यूट करना है वो आराम से कर सके। लाइक जैसे डी में आपको सिक्स टेन फिफ्थ स्ट्रिंग को म्यूट करना है, तो देखिए मैंने पूरा हल्का सा टच कर लिया है थंब से सिक्स टेन फिफ्थ स्ट्रिंग को, वो म्यूट रहे, उसका साउंड नहीं आ रहा है। तो अभी ऐसा करने से मैं आराम से फ्रीली स्ट्रमिंग कर सकता हूँ डी में, और मुझे टेंशन नहीं रहेगा कि ये दो स्ट्रिंग का साउंड आएगा। तो बस यही ट्राई करना, आपको जो डी पकड़ते हो थोड़ा आपका थंब ऊपर ले लेना, हुक जैसा कर लेना, हल्का सा टच करना है, इसको प्रेस नहीं करना, प्रेस करने से रिंग हो जाएगा नोट्स जो, और कोई दूसरा कॉर्ड बन जाएगा। तो जस्ट इसको म्यूट करने का ट्राई करना, हल्का सा टच होगा बस। तो अगर आप देखोगे जो कॉर्ड डायग्राम है डी मेजर में, देखे होंगे कि स्टार्टिंग के सिक्स टेन फिफ्थ पे क्रॉस मार्क लगा रहता है, जो कॉर्ड का डायग्राम रहता है, तो क्रॉस मार्क मतलब उसको नहीं बजाना डी मेजर में। अब कोई कॉर्ड बजा लो, सोचो बी माइनर बजा लो ऐसा, तो इसका मैं टिप्स दे दूंगा कैसे म्यूट करना है। जो बी माइनर होगा तो आपका कहाँ से बजाना है, यहाँ से बजाना है। तो अगर आप परफेक्टली बजा सकते हो पूरा होल बार करके, सिक्सटीन को भी बार करके फिर से प्ले कर सकते हो, काफी अच्छी बात है। अगर आपको प्रिसाइसली बजाना है तो आप क्या करना है, जो बार है उसको नीचे ले आना है यहाँ पे। तो आप जो बी माइनर का बार कर रहे हो अभी पूरा ऐसा नहीं करके, फिफ्थ स्ट्रिंग से बार करना। और ये जो आपका देखिए जो मेन ट्रिक है कि ये जो इंडेक्स फिंगर है वो बस टच कर रहा है आपका सिक्स स्ट्रिंग पे बी माइनर में, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है आपका सिक्स स्ट्रिंग अपने आप म्यूट रह जा रहा है, आपको म्यूट करने का टेंशन नहीं, क्योंकि बी माइनर पकड़ के आराम से प्ले करो, सिक्स स्ट्रिंग टच भी हो गया तो उसका साउंड नहीं आएगा। सभी कॉर्ड्स का कंसेप्ट यही है। ए माइनर बजा रहे हो तो क्या कर रहे हैं, ओपन बजा रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे, थंब ऊपर ले आएंगे, वहां से सिक्स स्ट्रिंग को म्यूट कर लेंगे और बजाएंगे फिफ्थ स्ट्रिंग से, तो आपका साउंड आएगा फिफ्थ स्ट्रिंग से। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया, जो जिन्होंने भी मुझे कमेंट में ये पूछा था कि कैसे हम लोग परफेक्टली इसको प्ले कर सके, ठीक है। तो बी माइनर भी जो बी मेजर था उसको भी क्या हुआ, हम लोग क्या किया, अभी सोचे हम लोग जी से सी कर रहे हैं, सेम हम लोग एफ शार्प से बी मेजर कर सकते हैं, चेंज 1 2 3 नीचे ले आए 1। मैंने एक लेसन बनाया हुआ था आदत के ऊपर, आप जरूर वो लेसन देखना, उसमें मैंने समझाया कि सब लोग चेंजेस कर सकते हो। 2 3 4 1 2 3 4 1 मैंने आपका जो मूव करना है आप जरूर वो लेसन देखना, वो लेसन देखो आपका बहुत डेवलप होगा। अभी मैं इतना डिटेल में बताऊंगा नहीं क्योंकि लेसन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर से उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, आप देख लेना प्रीवियस लेसन, मैं लिंक दे दूंगा सारे। पर आज मुझे आपको बताना था कि कैसे आप इसको ग्रिप कर सकते हो, आई होप सबको आप समझ में आ गया कैसे इसको पकड़ना है ऐसा, और कैसे स्ट्रिंग्स को म्यूट करना है कॉर्ड्स में। जैसे सी मेजर में आपको सिक्स स्ट्रिंग म्यूट करना है, डी मेजर में आपको सिक्स टेन फिफ्थ स्ट्रिंग म्यूट करना है, बी माइनर में आपको सिक्स स्ट्रिंग म्यूट करना है, सी शार्प माइनर में आपको सिक्स स्ट्रिंग म्यूट करना है। पर जो ओपन जो जी मेजर कॉर्ड है उसमें क्या हो, पहला नोट आपको जी चाहिए तो हम लोग सिक्सटीन पूरा बजा रहे हैं, ई मेजर कॉर्ड आपका पहला नोट ई चाहिए तो हम ऐसा सब बजा रहे हैं, जो आपका जी मेजर यहाँ पे हुआ जी साफ। तो डिफरेंस वही कि बस आपको एक ही दो स्ट्रिंग म्यूट करना होगा, जैसे बी माइनर में एक स्ट्रिंग म्यूट कर रहे हैं, डी में दो स्ट्रिंग म्यूट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया अभी आज का लेसन, और आप प्रैक्टिस करो बस, जैसे आदत में मैंने बताया सी साफ माइनर से 3 4 बी मेजर 2 3 4 से ए मेजर 2 3 4 से बी मेजर, आप वो लेसन जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं लिंक दे दूंगा। तो ठीक है आज का लेसन यहीं पे एंड करते हैं, और किसको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बोलो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा सबको रिप्लाई करने का, मैं ट्राई भी करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, ठीक है, जितना मुझसे हो पाता है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।